हे गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल कैसे हैं आप सब आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे तो यहाँ पे मैं एक -के होम रेमेडी लेके आई हूँ बालों के लिए बहुत ही ये बेहतरीन है आपके बालों के लिए ये बालों को एकदम ब्लैक करेगा नेचुरल डाई है ये तो इसे जरूर ट्राई करें और इसे आपको वीक में दो से तीन बार अप्लाई करना अपने हेयर्स पे तो इसे एक बार भी लगा सकते हैं और देखिए ये स्टेप से बिल्कुल आपके बालों पे वर्क करेगा तो इसे ज़रूर ट्राई करें और इसका कोई भी साइड इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं है तो ये मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ तो मैंने तो सोचा चलो आप लोग के साथ में शेयर करती हूँ और ये बालों को एकदम नरिश करता है तो चलिए इसे कैसे बनाते हैं तो मैंने एक लोहे की कढ़ाई ले ली है लोहे की कढ़ाई ले ली है तो इसके पहले मैंने इस पर एक हेयर पैक ऑलरेडी बनाया हुआ था तो मैंने उसी से उसी में मैं फिर से बना रही हूँ तो मैंने यहाँ पे आ, मतलब एक बड़ा कफ मैंने इसमें पानी रखा है इसे मैं बॉयल होने दूँगी और जब ये पानी अच्छे से बॉयल हो जाए मैं बहुत ज़्यादा नहीं होना मतलब ये गर्म हो गया हो चुका है तो अब मैं इसमें आंवला पाउडर डालूँगी चार बड़े चम्मच तो आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं वाटर की भी और आमला पाउडर की भी और अब हमें आज को एकदम लो कर देना है और इससे लगातार चलाते रहना है ताकि इसमें गुठलियाँ ना पड़े और इस टैप से इसे हमें मिलाते रहना है और ये बालों पे बहुत अच्छा वर्क करता है आ, इसे ज़रूर ट्राई करें और मैंने थोड़ा सा और इसकी क्वांटिटी मैंने इसकी बढ़ा दी है और ये देखिए मैंने यहाँ पे आज को एकदम स्लिम कर दिया है और ऐसे लगातार चलाते रहना ताकि इसमें गुठलियाँ बिल्कुल भी ना आप आए और ये गैस मैं ये बोलना चाहूँगी कि ये इंस्टेंट वर्क बिल्कुल भी नहीं करता है आ, ये आपको इसमें पेशेंस रखना होगा क्योंकि ऐसे आपको रेगुलर थ्री मंथ तक अप्लाई करना होगा अपने एयर्स पे और आपको वीक में दो या तीन बार से अप्लाई करना होगा क्योंकि ये होम रेमेडी है तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा और देख सकते हैं आप लोग गैस ये स्टेप इस से इसे हमें बनाना है और इसे आ, इसे इस कढ़ाई में ओवरनाइट के लिए हम लोगों को आ, मतलब इसे छोड़ भी देना है तो मैं ये आ, नाइट को बना रही हूँ इसे मैं होल नाइट छोड़ दूँगी और ये आपके बालों को बहुत नरिश करेगा बालों को ब्लैक करेगा और बहुत ही साइन भी आपके बालों को आएंगे और सबसे बड़ी बात है और थोड़ी वॉइस ओवर करते समय थोड़ी आवाज़ आएगी तो प्लीज़ माइंड नहीं कीजिएगा सॉरी गाइस तो यहाँ पे ये जो रेमेडी मैंने बनाया है तो इसे जब भी बनाए तो लोही की कढ़ाई यूज़ करें काफ़ी पुरानी कढ़ाई है तो मैं जितने भी हेयर पैक बनाती हूँ तो इसी कढ़ाई में बनाती हूँ और ये बहुत अच्छा वर्क करता है आप इसे ज़रूर ट्राई करें मतलब जो भी आपके हेयर ब्लैक हो चुके हैं उनको भी ये सॉरी जो भी आपके हेयर मतलब वाइट हो चुके हैं बोलते बोलते कभी ऊपर नीचे हो जाता है तो सॉरी तो जो भी आपके हेयर वाइट हो चुके हैं उसको भी ये रेमेडी एकदम ब्लैक कर देगा और जो भी आपके मतलब मतलब ग्रोथ जो वाइट वाल आ रहे हैं जड़ से उनको भी ये ब्लैक करेगा तो इसे जब भी लगाएं तो इसे जड़ से ही लगाएं जड़ों में लगाएं और बहुत नरिश करता है लेकिन आ, आपको इसे आ, मतलब रेगुलर यूज़ करना है कम से कम तकरीबन थ्री मंथ तो आपको रेगुलर इसे यूज़ करना है और जब आप इसे अपने बालों पर अप्लाई कर दे तो नेक्स्ट डे ही जब मतलब दो घंटे आप इसे रखें और नेक्स्ट डे ही शैम्पू करें रात को आप मतलब पानी से ही आपको वॉश करना अपने हेयर को उसके बाद आपको नाइट को तेल लगाना है और नेक्स्ट डे ही आपको शैम्पू करना है तो यहाँ पर ये देखिए तैयार हो चुका है गाइज अब मैं इसे ओवर के लिए इस इसी कढ़ाही में छोड़ दूँगी और उसके बाद, बाद में इसके बाद ही इसे अप्लाई करना अपने हेयर्स पे तो देख सकते हैं गायज यहाँ पे मैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग में दिखा रही हूँ तो इसका कलर कुछ इस स्टेप से हो चुका है ये ब्लैक हो चुका है और ये बिल्कुल रेडी हो चुका है कि हम लोग इसे अपने बाल में अप्लाई कर सकते हैं तो मैं इसे एक बॉल में पहले आ, मतलब उसमें ट्रांसफ़र कर लूँगी और आप इसे दस दिनों के लिए बना के भी रख सकते हैं और उस दस दिनों तक तो बना के रख सकते हैं और इसको यूज कर सकते अपने हेयर्स पे लेकिन आपको अपने बालों की जड़ों में लगाना है तो जितने भी बाल आपके जो ग्रोथ होते हैं जो आते हैं वाइट हेयर वो बिल्कुल भी नहीं आएंगे और जो आपके वाइट हेयर हो चुके हैं उनको भी ये ब्लैक कर देगा तो एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें और देखिए ये मैं दिखा रही हूँ कि ये किस स्टेप से लगता है तो ये आपके बालों पर स्टैप से ही हो जाएगा ब्लैक सा होगा इसके बाद इसे दो से तीन घंटे आपको अपने बालों पे लगा के रखना है और जड़ों में लगाना है जो आपके हेयर्स वाइट हो चुके उन उस पर भी लगाना ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देगा बहुत इफेक्टिव है तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है आंवला पाउडर जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इससे बाल हेयर्स काले होते ब्लैक होते हैं तो एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना मेरे चैनल में पहली बार विजिट करना है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना और देख सकते हैं तो ये इस टेप से मतलब सूखने पर हो जाता है हमारे हेयर्स पर होता है तो आपको शैम्पू नेक्स्ट डे ही करना है और ओवर जब भी आपको लगाना है तो उस दिन आपको हेयर्स अपने मतलब सिंपल वाटर से ही वॉश करने हैं तो फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए बाय बाय टेक केयर ऑल